दोस्तों यदि आप नए यूजर हो एक्सेल के, अभी अभी एमएस एक्सेल सीख रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा जो एक्सेल के हर नए यूजर के मन में आता है, वो है फाइल सेव से रिलेटेड। दोस्तों जो आज का वीडियो होगा वो फाइल सेव से रिलेटेड होगा। अगर हमारे पास कोई सीट ओपन है, पहले से बनी हुई है, तो उस फाइल को अदर लोकेशन पर सेव करना हो तो कैसे करें, कैसे सेव के अदर अदर फॉर्मेट मिलते हैं हमें, और कैसे हम अदर फॉर्मेट में भी फाइल को सेव कर सकते हैं एक्सेल की, और दूसरी बार अगर न्यू पेज लेंगे या न्यू शीट लेंगे उसको कैसे सेव करेंगे। तो सेव से रिलेटेड काफ़ी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। अगर आप एक्सेल के नए यूज़र हो तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप करंट फाइल पर काम कर रहे हैं और आप इसे किसी पर्टिकुलर फोल्डर या लोकेशन पर सेव करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सा फाइल मैनेजर में जाना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सेवेस, सेवेस पे आपको क्लिक कर देना है एंड आपको मिलेगा ब्राउज़र, ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है। ब्राउज़र पे जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। दोस्तों यही डायलॉग बॉक्स आपको लोकेशन बताता है कि आपको अपनी एक्सेल की फाइल कहाँ सेव करनी है, अगर आप करंट फाइल में काम कर रहे हैं, है ना। तो डिफ़ॉल्टेड अभी सी ड्राइव सिलेक्ट है, आप चाह रहे हैं पर्टिकुलर यहाँ पर डेस्कटॉप पर चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप पर सेव हो जाए फाइल, तो यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे, है ना। सिंपल सा आपको डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है। दूसरी बात नीचे आएंगे दोस्तों, आपको किसी फोल्डर में किसी ड्राइव में आपको सेव करना है तो ड्राइव में कर सकते हैं। तो आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो ड्राइवें ओपन हो जाएंगी। तो ये आपकी जितनी भी ड्राइव होंगी यहाँ से होंगी, पर्टिकुलर ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप सेव करेंगे तो फाइल इसके अंदर भी सेव हो जाएगी, है ना। आप चाहते किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हो जाए तो उसके लिए डेस्कटॉप को आपको सिलेक्ट कर लेना है, या डेस्कटॉप या आप ड्राइव में सेव करना चाहें पर्टिकुलर फोल्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया एंड नीचे आते हैं, हम चाहते हैं फाइल यहाँ पर पीडीएफ कलर वाले फोल्डर के अंदर सेव हो जाए। तो मैंने ये फोल्डर को ओपन किया, तो फाइल नेम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या इसी को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है और यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा बताई गई लोकेशन में फाइल सेव हो जाएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पीडीएफ कलर के अंदर फाइल यहाँ पर सेव की है, देखते हैं आ गई। तो देखिए ये फाइल आ गई, है ना। अब दूसरी मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल सा फाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पर है सेवे, सेवे पे क्लिक करते हैं हम। ब्राउज़र, ब्राउज़र पे आपको क्लिक कर देना है। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आप स्विच पे क्लिक करेंगे, स्विच पे क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुलकर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, जैसे कि वेब पेजेस है यहाँ पर, एक्सेल टेम्पलेट है, है ना, एंड यहाँ पर सी एस बी फॉर्मेट है, टी एक्स टी फॉर्मेट है, एंड यहाँ पर आपको पी डी एफ फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट मिल जाएगा या पावर पॉइंट का आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट भी आप सेव कर सकते हो अपनी एक्सेल फाइल को, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं एक और फॉर्मेट में आपको फाइल सेव कर बता देता हूँ, जैसे कि मुझे पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में आपको सेव कर देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको डेस्कटॉप या कहीं पर भी सिलेक्ट कर लेना है, मैं डेस्कटॉप कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 1 2 3 डाल देता हूँ और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में भी हमारी एक्सेल फाइल सेव हो जाएगी, प्रोसेस हो रही है। तो होने दीजिए इसकी प्रोसेसिंग, है ना। अब हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये आ चुकी क्लोजिंग स्टॉप 1 2 3, है ना। अब दोस्तों अगर आप न्यू शीट पर काम करना चाह रहे हैं और पहली बार में आप फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, तो देखिए मैं न्यू पेज लेता हूँ, है ना, न्यू शीट लेता हूँ, सॉरी। तो न्यू शीट है तो सबसे पहले आप फाइल को सेव करते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर फाइल मेनू में जाना है या फिर आपको कंट्रोल एस दबा देना, क्योंकि आप पहली बार ही फाइल को सेव कर रहे हैं, है ना। तो मैं शॉर्ट की के द्वारा भी आपको बता देता हूँ। तो कंट्रोल एस मैं प्रेस करता हूँ एंड ये आपको ब्राउज़र पर सिलेक्ट कर लेना है, आना है ब्राउज़र में। ये लोकेशन पूछोगा आपको अपनी नई फाइल कहाँ सेव करनी है, मुझे करनी है डेस्कटॉप पर, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो फाइल सेव होने के बाद देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुक वन, तो हमने यहाँ पर अपनी न्यू फाइल भी सेव कर ली है। तो इस तरह से हम करंट फाइल को सेव कर सकते हैं एंड फाइल को अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और न्यू फाइल को भी सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।